वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल मूवीज लाइफ में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फैंटास्टिक बीस्ट मूवी से जुड़ी कुछ नई अपडेट्स के बारे में। तो ज़्यादा देर न करते हुए बकबक को साइड रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। फैंटास्टिक बीस्ट 3 मूवी के फैंस के लिए यह न्यूज है कि वार्नर ब्रदर्स ने जॉनी डेप के ग्रिंडलवॉल्ड के रोल छोड़ देने पर आगे शिफ्ट किया है रिलीज डेट को। फैंटास्टिक बीस्ट फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त एक बार फिर डिले होने वाली है। इस बार 2022 तक के लिए रोक दिया गया है। यह फिल्म मूल रूप से नवंबर 2021 को रिलीज करने के लिए सिलेक्टेड थी। हालांकि हाल ही में एक इंस्टाग्राम पोस्ट में जॉनी डेप ने खुलासा किया कि उन्हें फ्रेंचाइजी से बाहर निकलने और डार्क विजर्ड गिमलेट ग्रिंडलवॉल्ड के रोल से इस्तीफा देने के लिए कहा गया है। डेप ने पिछले 2 पार्ट में यह भूमिका निभाई है और सम्मान और सहमति जताई है इस अनुरोध पर, जो ब्रिटेन में द सन टैबलॉइड के खिलाफ एक हाई प्रोफाइल मानहानि का मुकदमा हारने के कुछ दिनों बाद आया। फिल्म को बनाने में प्रेजेंट टाइम में गिमलेट ग्रिंडलवॉल्ड को फिर से तैयार होने की जरूरत है। वार्नर ब्रदर्स के एक स्पीकर ने पुष्टि की कि फैंटास्टिक बीस्ट 3 2022 की गर्मियों तक दुनिया में रिलीज नहीं होगा। डेविड येट्स तीसरी फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं, जिन्हें हम हैरी पॉटर द ऑर्डर ऑफ द फिनिक्स, द हाफ ब्लड प्रिंस, द डेथली हॉलोज पार्ट 1, द डेथली हॉलोज पार्ट 2 के लिए जाना जाता है। लेकिन फैंटास्टिक बीस्ट मूवी हैरी पॉटर के कई साल पहले की घटनाएं हैं, जो न्यूट स्कैमेंडर पर आधारित है, जो एल्बस डंबलडोर के साथ मिलकर डार्क विजर्ड गिमलेट ग्रिंडलवॉल्ड के खिलाफ लड़ाई करते हैं। डेविड येट्स द्वारा डायरेक्ट की जाने वाली यह मूवी जेके रॉलिंग द्वारा और स्टीव क्लॉस ने लिखा है। इस मूवी में कई अजीबोगरीब जानवर देखने को मिलेंगे। अब इस मूवी को 2022 के गर्मियों के लिए निर्धारित किया गया। आपको क्या लगता है, जॉनी डेप की जगह पर कोई और ग्रिंडलवॉल्ड के रूप में मूवी में शूट करेगा या नहीं, और कौन उसका जगह ले सकता है? अपनी राय जरूर हमें कमेंट करके बताएं। आपकी राय जानकर हमें बहुत खुशी होगी। कि आप जॉनी डेप को ही इस रोल में देखना चाहते हैं या नहीं, प्लीज़ अपना राय हमें कमेंट करके बताएं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपका लाइक ही हमें मोटिवेट करता है ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए। और बात करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को फॉर द लेटेस्ट अपडेट। एंड थैंक यू।